ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अपने दोनों मेहमानों से। आप दोनों मेहमानों का फिर से स्वागत है। सर, बार बार आप लोग प्रधानमंत्री पे ये भी आरोप लगाते हैं कि वो देश में होते ही नहीं है, बराबर विदेश यात्रा। और उनका कहना होता है कि कुछ नेशनल कमिटमेंट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ता है, और प्राइम मिनिस्टर वाजिब है कि बाहर रहेगा, और बाहर जा रहा है तो पैसों के लिए जा रहा है, FDI के लिए जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहा है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बातें कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें जितनी बोली जा रही है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्या उसका रिजल्ट आएगा नहीं क्या, या इतनी जल्दी उस रिजल्ट को देखा जाना चाहिए? नहीं, ठीक है उपाध्याय जी, मैंने कह रहे थे कि अभी देखना है, इंतज़ार करना चाहिए, समय मिलना चाहिए। हाँ, एक साल हुआ है, लेकिन इसमें वो लिफाफा का एड्रेस देख के खत का मजमून तो पता चलता है, चली जाता है, तो कुछ अंदाज लग जाता है उसका। अब देखिए, एक तो अब इनको NRI प्राइम मिनिस्टर इनको कहा जाने लगा है, और इसकी वजह ये है कि देखिए, सुषमा स्वराज जी बहुत काबिल आदमी हैं, लीडर अपोजिशन थी, मंत्री रह चुकी हैं, विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं पहले, तो आप हर जगह भाई आप खुद मने सब चीज़, अरे आप मुखिया हैं तो आप काम लीजिए लोगों से, उन पर ट्रस्ट कीजिए, और उन्होंने किया है। आप देखिए ये बांग्लादेश वाला जो मसला है, सुषमा जी की हाँ पूरी कोशिश है, ये मोदी जी, खैर सुषमा जी को भी मजबूरी है, नाम लेंगी मोदी जी के चल का, लेकिन और उसको देखिए कि सारे पक्षों ने सपोर्ट दिया, और एक देश का एक मान जो 32-35 साल से जो चीज लटकी हुई थी, तो और हमारे हिस्से की कमजोरी के चलते उस काम को उन्होंने किया। तो आप भेजते हर जगह, ये खुद मने दिखते हैं, सारा फुटेज खा जाते हैं, सुषमा जी का भी, दूसरे लोगों का भी, तो ऐसे लीडरशिप नहीं पनपता है। तो देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, बीजेपी से हम लोगों को इख्तलाफ है, डिफरेंसेज है नीतियों का, बहुत दो पोल हैं हम लोग, लेकिन एक चीज़ सब लोग मानता था कि इनके यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, एक स्टेचर के कई कई लीडर्स हैं। अब वो सब खत्म हो गया, अब अकेले हैं एक तरह से इनकी मर्जी के बिना जो कहा जाता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वो उस तरह की स्थिति है। तो इनका NRI प्राइम मिनिस्टर कहे जाने लगे, ठीक है ये सब हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, हासिल क्या हुआ? अमेरिका गए आप चीन जा रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति आए, चाइनीज प्रेसिडेंट आए, लेकिन आपको और दुनिया के कई देशों में गए, आपको हासिल क्या हुआ, मिला क्या, कोई इन्वेस्टमेंट आया क्या, एक पैसा भी बता दीजिए कहीं से आया क्या जमीन पर, जो उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या दिखा। ये तो देश की बात कर रहे हैं, लेकिन हम विदेश की भी बात कर रहे हैं कि क्या दिखा। आज भी हमारी सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आज भी हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, हमारे गांवों को खाली कराया जा रहा है, जहां चीन में आज वो गए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां के प्रधानमंत्री को झूला झूला रहे थे अपने शहर में ले जा करके, और उनको हाथ से चाय बना करके पिला रहे थे, उसी समय चाइनीज एग्रेशन हो रहा था, हमारे सीमा में उनकी दाखिल हो रही थी, और हमको पसीने छूट गए उसको फिर बैक कराने में। तो ये सब चीज़ हासिल क्या हुआ, इससे ना देखा जाएगा। तो और ये मेक इन इंडिया की जो बात हो रही है सर, क्या मेक इन इंडिया को लेकर इंडिया का जो परसेप्शन था इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनली मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में, क्या आपको नहीं लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं भारत का एक परसेप्शन में कुछ सुधार हुआ है मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेकर? आप कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों का स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप रेवेन्यू के प्रति, रिसिप्ट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये तो मैसेज गया है। देखिए, चाइना गए हैं प्रधानमंत्री जी, और भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो सीखें कि चाइना किस तरह से अब हमसे भी बड़ी आबादी वाला देश है, और किस तरह से अपने कॉटेज इंडस्ट्रीज को और घर घर उसका
गांव गांव गली गली और उस वहां से निकल करके यार हमारे गांव गलियों में और विदेश में, और क्या सर्वे है उसका, हमारे लोगों की क्या परचेजिंग कैपेसिटी है, क्या जरूरत है, उसके हिसाब से यहाँ सामान अमेरिका में जाइए, वहाँ सामान इंग्लैंड में जाइए, वहाँ सामान उसका बिकता है, खाड़ी देशों में जाइए, वहाँ सामान, चाहे वो टोपी हो, चाहे वो बुर्का हो, चाहे कुछ हो। तो ये भाई ये है, वो अपने लोगों को रोजगार दिया है तो ये नहीं सीख रहे हैं, ये किस पर, ये बड़े बड़े उद्योगपति घरानों के पीछे कहाँ कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, देसी या विदेशी पूंजीपति। आप जो छोटे हमारे उद्यमी हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो तो सुसाइड कर रहा है, वो तो मर रहा है, उसका रोजगार धंधा खत्म हो रहा है। चाइनीज सेना के साथ साथ चाइनीज आपने आपने ऐसा खोल दिया अपना बाजार कि वो सब उसका सामान मार्केट, हमारे मार्केट उसके सामान से भरे हुए हैं। बांग्लादेश जो एक गरीब देश माना जाता था, आपको कॉटन में कपड़ा के मामले में मार्केट में देख लीजिए बांग्लादेश किस तरह से अपना दबदबा बढ़ाते जा रहा है, हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है, तो आप नारा देने से तो वही शाइनिंग इंडिया वाली हालत होगी, जब कुछ जमीन पर नहीं आया जाए, मेक इन इंडिया करते रहिए। दुर्गेश जी, जो अली अनवर साहब कह रहे हैं, अब इनकी बातों से कितना सहमत हुआ जा सकता है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि एक जो पिछले यूपीए सरकार का जो दौर था, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर का जो एक पद था, उसको कहा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर नॉन रिएक्टिव है, वो रिएक्ट ही नहीं करते थे, कोई रिस्पांस नहीं आता था, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते थे कुछ। उस हिसाब से क्या लगता है कि देश में कॉन्फिडेंस तो गेन हुआ है इसमें बीजेपी के या एनडीए के रोल या नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद? इन्होंने एक सोशल मीडिया को रिवाइव किया, हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट किया, और इनका ये भी कहना है कि अभी तक 60 सालों से देश में कोई अच्छी पॉलिसी नहीं थी, तो रिजल्ट तो पॉलिसी ओरिएंटेड होता है। देखिए, यहाँ पर आप बड़ा सही सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है तमाम तरह के आरोप, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी लगते थे, प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनकी चुनौतियाँ अब राष्ट्र स्तर की हो गई हैं। उन्होंने खुद को एक कहना चाहिए कि बहुत ही लार्जर देन लाइफ वाले इमेज बना करके पेश किया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने सोशल मीडिया का, मीडिया के जैसा कि अभी अनवर साहब थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि मीडिया को भी कहीं ना कहीं एक बहुत ढंग से मीडिया मैनेजमेंट उनका था, जिस जो कि उनको उस देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में जिसने मदद किया, और जहां जो जिससे कि कहीं ना कहीं एक साल से वो दूरी बनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खुद बहुत एक्टिव रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सारा काम खुद ही कर लेना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति जो है सब कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, आपको अपना जो पावर है उसका विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि मैसेज जो जा रहा है वो ऐसा नहीं है। कभी जो है आपके आलोचक जो है आप ही की पार्टी के लोग, जो अरुण शौरी जैसे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ तो तिकड़ी है, अरुण जेटली हैं, अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं, यही पूरी सरकार है, बाकी सब लोग हैंडीकैप हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करना पड़ेगा, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। अभी आप एक साल पूरा कर रहे हैं और अभी आपको अभी 4 साल और पूरा करना है, और आपने जो बड़े बड़े वादे, जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं, मैं ये मानता हूँ कि नीतियाँ बनाने और नीतियों के नतीजे आने में समय लगता है, ये इस बात से सहमत हुआ जा सकता है। लेकिन जैसा कि अभी अनवर साहब कह रहे थे कि लिफाफे का जो मजमूम है उसको देख करके अंदर क्या है इसका पता लगता है, तो उतने के लिए एक साल काफ़ी होता है। आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप केवल बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप उनसे ही घिरे हुए हैं, या जो हमारे देश के लघु एवं कुटीर उद्योग की बात है, जो गरीब हैं, किसान हैं, मेहनतकश मजदूर हैं, जो देश का युवा वर्ग है जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, क्या उसकी उन लोगों की उन समस्याओं का कुछ स्थायी हल आप निकाल पा रहे हैं, और उनको वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, या केवल मामला हवा हवाई है? तो इस पर प्रधानमंत्री को खुद और उनकी सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और हाँ, ये बात है कि अभी 4 साल हैं और 4 साल बाद ही असली रिपोर्ट कार्ड बनेगा, लेकिन एक साल पर कम से कम एक बार जो है ये उठेगी तो कि भाई आखिर आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप खुद विदेशी यात्राएं कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन उस विदेश यात्रा का कितना फायदा भारत को हो रहा है, ये बात विपक्ष भी पूछेगा और देश का जनमानस भी जानना चाहेगा। सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है,
कि आपने पिछला एनडीए सरकार भी देखा होगा जब वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस समय भी आरएसएस का वीएचपी का दबदबा था, इंटरफेरेंस था। क्या लगता है पिछले सरकार को देखते हुए कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार पिछले एक साल रही है उसमें आरएसएस की ज़्यादा से ज़्यादा दखलंदाजी है, या वीएचपी का, या जो भी इनसे जुड़े हुए जो संगठन हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सरकार पे हावी है? ये भी सरकार रिजल्ट देने में थोड़ा पिछड़ रही है, इसको लेके बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है आरएसएस का। देखिए, आदमी से जो लीडर होता है उससे बहुत फर्क पड़ती है बात। वाजपेयी जी की जो शख्सियत थी अलग तरह की शख्सियत थी, वो इतने तरह के लोगों को मिला जुला करके ले चलते थे, और फिर जो बातें तय हुई 370 धारा को के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले पर कोर्ट का फैसला मानेंगे, दूसरे पक्ष का मानेंगे, कॉमन सिविल कोर्ट के मामले पर, तो जो जिसको मुलतबी कर दिया, जिस पर कहा कि इस पर चर्चा नहीं होगी, तो उसका उन्होंने निर्वाह किया। तो इनमें अब देखिए, ये कहते हैं लाल किले के प्राचीर से इन्होंने भाषण दिया कि 10 साल के लिए जो इस तरह के विवादास्पद मसले हैं उस पर मोनेटेरियम लगा देना चाहिए। फिर वही साक्षी महाराज, वही साधु निरंजना ज्योति, वही गिरिराज सिंह, वही तमाम तोगड़िया सिंघल, इनके बयान। अब और तो और छोड़ दीजिए, जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। तो भाई, अब प्रधानमंत्री को तो इस पर जवाब देना चाहिए ना कि भाई ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेकुलर कंट्री है, ये थियोक्रेटिक स्टेट हिंदू राष्ट्र बनाने की आप बात कीजिएगा तो कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा? और हो रहा है, ये सरकार में है और वहाँ कश्मीर में देखा पीडीपी की और बीजेपी की सरकार है, और किस तरह से रैली निकाल करके और पाकिस्तान के झंडे फहराए गए, जिंदाबाद का नारा लगा, और क्या क्या हुआ। तो भाई, आप आपकी कथनी और करनी में तो फर्क है आसमान जमीन का। या तो आपका इकबाल ख़त्म हो गया, मोदी जी का जो इकबाल था, जो रोब था, दाब था, वो ख़त्म हो गया, और नहीं तो आप चुप रह करके उनकी बातों को, डबल स्पीक है आपका कि एक एक सेट ऑफ लीडर्स इस तरह का डिसिसिव प्लान पर काम करें, इस तरह की बात करें, और हम विकास की बात करें, हम सबका साथ सबका, इससे बड़ा रेडिकुलस हास्यास्पद कोई नारा हो सकता है? सबका साथ सबका विकास, अमेरिका ने जिस अमेरिका को ला करके आपने ओबामा को, जाते जाते वो क्या कह करके गया है ओबामा, जा करके वहाँ ओबामा ने क्या कहा हिंदुस्तान के बारे में, तो क्यों नहीं कहेगा भाई? ऐसा कभी नहीं हुआ था आज़ादी के बाद, 6-6, 7-7 गिरजाघरों पर हमला होता है यहाँ पर, और उसमें कोई आप कार्रवाई नहीं करते हैं, कोई पकड़ा नहीं जाता है, किसी को कोई डिटेक्ट नहीं करते हैं। आपके लोग कहते हैं शिवसेना जैसे लोग कहते हैं कि भाई ये वोटिंग राइट मुसलमानों का, माइनॉरिटी के लोगों का छीन लेना चाहिए आप। तो ये सब जो जहर जहर उगल रहे हैं इनके लोग, अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो इनका विकास का, सबके साथ सबका विकास वाला जो नारा है वो तो थोथा बन जाता है, खोखला है, उसमें कुछ है। जैसे कुछ असफल प्रयास, मतलब जो प्रयोग हुए हैं वो मोदी सरकार ने किए, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर पीडीपी के साथ जो इनका हुआ, वो एक बराबर किचकिच में फंसता हुआ पॉलिटिक्स नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे हुई। और आपको कुछ लगता है कि सरकार ने पिछले एक साल के दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ की हों जिसका कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको, या पड़ रहा है? देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रयोग था वो बहुत ही अनपेक्षित था। इस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि घाटी में एक लंबे अरसे के बाद उनकी जो है सबसे ज़्यादा सीटें आई थी, और मोदी सरकार उसको कहीं ना कहीं कैश करना चाहती थी, उसका जो क्रेडिट है वो हासिल करना चाहती थी। अब मजबूरी ये था कि पूरा एक अच्छा खासा कई महीने बीते, उसके बाद उनको पीडीपी के साथ वो अलायंस करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है कि पहले दिन से ही तय था कि इसमें नुकसान जो है बीजेपी का होना है, अब वो प्रयोग तो हो गया। इसके अलावा पिछले एक साल में मुझे लगता है कि आप बड़ी बड़ी कल्याणकारी योजनाएं खूब आपने अनाउंस कर दी,
आपको लगा, आपने जनधन योजना की बात कर लीजिए चाहे और जो कई कई तरह की योजनाएं जो प्रधानमंत्री खुद जिन्होंने उसको लॉन्च किया, मुझे लगता है कि अब ये देखना पड़ेगा, ये जो एक बहस का विषय है कि इसका ग्राउंड जीरो पर आम जनमानस को कितना फायदा हो रहा है। क्योंकि देखिए, कुल के बावजूद अगर हम जन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमें ये देखना होता है कि आम आदमी को क्या मिल रहा है, देश के किसान को क्या मिल रहा है, देश के युवा वर्ग को क्या मिल रहा है, देश का जो कामगार मजदूर है, देश का जो लघु एवं कुटीर उद्योग का जो में जो हमारा जो मैन पावर लगा हुआ है उसको क्या हासिल हो रहा है। तो यहाँ पे मैसेज देखिए, मंशा आपकी अच्छी है, इसमें कोई शक शुभा की बात नहीं है, प्रधानमंत्री बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंड के आदमी है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और मेरा जहाँ तक समझ जो मेरी समझ काम करती है कि मैसेज ग्राउंड पर जो है वो वैसा नहीं जा रहा है जैसा कि आप सोच रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये ध्यान देना होगा कि आखिर पिछले एक साल में हमने ऐसे क्या क्या गलतियाँ की, इसका आकलन खुद सरकार करे, खुद प्रधानमंत्री बैठे और इस पर विचार हो और उसके बाद फिर आगे का एक रोडमैप बने और जो चीज़ें आप जो योजनाएं या जो घोषणाएं आप कर रहे हैं उसको ग्राउंड जीरो तक कैसे पहुंचाया जाए ये सुनिश्चित किया जाए, तभी मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। अन्यथा विपक्ष को आप लैंड एक्विजिशन बिल पर जिस तरह से आपकी किरकिरी हुई है, आगे आने वाले दिनों में जो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक तरह से सीन से पूरी तरह से गायब हो गई थी, वो राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, वो उनको मीडिया का हाइप मिल रहा है, विपक्ष को आपने मुद्दा दे दिया और वो भी साल भी अब साल भी अभी नहीं बीता, अब साल होने जा रहा है। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं, ये चिंता का तो विषय चिंतन का बड़ा विषय है। तो मुझे लगता है कि सरकार को प्राइम मिनिस्टर अक्सर कहा करते थे कि हम मित्र अपना बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। पड़ोसियों को लेकर जो इनकी पॉलिसी बनी, जिन्होंने वोथ में बुलाया इन्होंने सारे पड़ोसियों को, उसके साथ संवाद किया, सब कुछ किया, वो एक अच्छे काम में गिना जाएगा इनका। क्योंकि पड़ोसियों के साथ नेपाल में जिस तरह से भूकंप के दौरान भारत ने चरवर का हिस्सा लिया, भूटान में आप गए उसको आपने हेल्प किया, आप बर्मा गए, आप तमाम जो पड़ोसी के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो तो बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं इनके प्रयास से। नहीं देखिए, मैंने हम ये मानते हैं कि चीन हो या पाकिस्तान हो, बहुत टफ रहा है उनसे हमारा रिलेशन और कई बार हम धोखा भी खाए हैं, तो उसमें फूंक फूंक कर चलना हम लोगों का चलना चाहिए। हम लोगों का कहना सिर्फ इतना है कि बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। जो इम्प्रेशन आपने दिया कि गोया कि मोदी जी आएंगे और पाकिस्तान चूहे की तरह से बिल में घुस जाएगा, एक बार कहा भी मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कि उनको बता दिया गया है, सबक दे दी गई है, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, फिर वो दूसरे ही दिन वही बात शुरू हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं कि लोगों को अपने बड़बोलापन से आप सही बात बताइए, कम कम बोलिए, इंटरेक्ट कीजिए, कुछ सुनिए भी। इनकी बड़ी दिक्कत ये है कि ये अकेले बोलते जा रहे हैं, दूसरे की सुनते नहीं है। पार्लियामेंट में हम लोग, राज्यसभा में हम लोग आएंगे, भाषण कर लेंगे, ठीक है भाई भाषण कीजिए, आप प्रधानमंत्री हैं, दोनों हाउस के नेता हैं, लेकिन हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं उसका भी तो जवाब दीजिए। तो ये नहीं हो रहा। और इसी तरह से ये गुजरात में भी चलाए जितना दिन रहे, तो गुजरात पूरा देश नहीं है, एक राज्य में चलिए चल गया, कई वजह है, चल गया, इतना शार्प कम्युनल डिवीजन आपने कराया कि वहाँ चल गया, लेकिन पूरा देश गुजरात नहीं है। एक दूसरी जब जो सबसे बड़ी दिक्कत इनका है, जहाँ फंसने वाली है गाड़ी, देखिए रुपये का मूल्य गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, तेल का दाम, महंगाई, हालांकि बहुत पैसा बचाया इन्होंने, इंटरनेशनल मार्केट में जितना तेल का दाम, क्रूड ऑयल का दाम गिरा, उससे आधा यहाँ तेल का दाम होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा बहुत राहत दे करके वो पैसा बचाया, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। फिर आपने अचानक बढ़ाया, महंगी बढ़ती जा रही है। तो ये है। अभी एक बात देखिए, आज ये खबर आई है कि ये रिटेल में FDI ला रहे हैं, जो हम लोगों ने सुना है पार्लियामेंट में, ये हम लोगों के एलआई भी थे, तो जिस बात के लिए कांग्रेस का विरोध करते थे, लगातार विरोध करते थे कि FDI नहीं, आज कह रहे हैं कि FDI हम लाएं।
तो ये सब बहुत खतरनाक है। और यही वजह है कि इनके पार्टी के अंदर भी एक लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। ये तो कोई राम जेठमलानी और कोई अरुण शौरी और क्या राजनाथ सिंह जी कैसे घुट रहे हैं अंदर अंदर, किस तरह से क्या है ये देखिए। आपको गडकरी जी का जो मसला हमने देखा कि बीजेपी के लोग ज़्यादा खुश थे, यह अपोजिशन को इतनी हिम्मत नहीं होती कांग्रेस के, बीजेपी के लोगों का अंदर से भी इस पर खुशी थी। उसको कंट्राडिक्शन को अपोजिशन है तो उनके कंट्राडिक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो देश में जो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनकी मुसीबतें और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली आकलन है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। ये थे हमारे दोनों मेहमान जो मोदी सरकार के एक साल के लेखा जोखा को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। आज इस बातचीत में और उस मुद्दा में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।